गाइस सबकी डिमांड पे सब जितने लोग थे जितने कमेंट कर रहे थे हम ले ही आया भाई को। हाय सर, हाय, हाउ आर यू? ईशान भाई ने मुझे अपनी बहुत ब्यूटीफुल कार दी है ड्राइव करने के लिए। चलो तो सही है, मतलब आप बढ़िया से चला रहे हो, आपको कैसी लग रही है चलाने में? बड़ी सही लग रही है। अब आप डेट पे कब जा रहे हो इसमें? डेट पे बस सब पहले पटाएंगे कोई इसी से। ये तो कॉन्ट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, कल ही मुझे पता चला आप शादीशुदा हो। हाँ, कब? कल ईशान भाई ने सबको बताया है। ये झूठी अफवाहें कौन फैला रहा है? ईशान भाई, अभी तो मेरा दिल जवान है। ओ अच्छा, दिल जवान है, बाकी सब? बाकी सब भी जवान। अच्छा, और बताओ सर कैसी चल रही है गाड़ी? बस आप कहाँ गए थे यार? आज मैंने ना एक इवेंट मिस कर दिया। चलो नेक्स्ट संडे विल प्लान, अगर अपन यहाँ प्रॉब्लम हम लोग ट्रिप पे जाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। कहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं मुझे पता ही नहीं था। हम जाएंगे धर्मशाला, देखते हैं कहीं पे। चलो फिर तो बहुत बढ़िया है यार, अगर अपन धर्मशाला जा रहे हैं नेक्स्ट संडे तो। और बताओ सर कैसा चल रहा है घर में? बस सर सब बढ़िया। अब तरुण भाई ने तो बता दिया, वो आपको मिले थे BYC बैकयार्ड कस्टम्स। ओके, तो आप बताएं क्या? अब आप हमें बताएं तरुण के बारे में, अपने बारे में। सो चलो आपके साथ एक रैपिड फायर छोटा सा हो जाए। यू मैरिड? ट्रुथ? तो ये तो फिर ये परसों आएगी वीडियो, कल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे ना हम कि शोएब की हुई शादी, दिन बताए है ना, इंस्टा पे डाल देंगे शोएब का एक कोई कार्ड बना के, क्या बोलते हैं? मत करो ऐसे। ओके, सो हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव नाउ? जीरो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे मेरे सामने जाके लड़कियों का नंबर लेके आया और कह रहा है आई हैव अ जीरो गर्लफ्रेंड। मैं, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? कहाँ से हो आप? जम्मू इटसेल्फ। आप जम्मू से ही हो? यस, आई हैव बीन जम्मू ऑल माय लाइफ। ओह ओके। अभी आई एम गोना लीव फॉर अ कमर्शियल पायलट। सो वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग? फॉर द मोमेंट द ग्राउंड क्लासेस विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली। दिल्ली, एंड देन वी विल सी अबाउट फॉरेन में कहीं पे भी। फॉरेन में मतलब कहाँ पे? कोई तो आपने कॉलेज चूज करा होगा। यूएस वगैरह में देखा है, अभी देखते हैं इंडिया में करना है, यूएस में बाहर करना है। ओके ओके, फ्लोरिडा में देखते हैं। ओके ओके ओके, तो अभी आपने एडमिशन वगैरह नहीं ली है? अभी ली है, अभी उसके पहले ही कंप्यूटर नंबर होता है वो जनरेट किया है, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रोसेस फ्लो चलेगा, इसका एग्जाम क्लियर करने होते हैं, उसके बाद बाहर जाना होता है। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम आस्किंग यू इज कि आपको कितना टाइम लगेगा एक पायलट बनने में? मतलब दो आप पायलट तो हो, वी हैव सीन यू फ्लाइंग कार्स, सो आपको जहाज उड़ाने में कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली? 7 to 8 months। सो यू विल बिकम अ सर्टिफाइड, आप सर्टिफाइड पायलट बन जाओगे विद इन 8 months ऑफ टाइम फ्रेम, एंड देन हाउ मच, कितना टाइम लगेगा आपको टू बी ए कमर्शियल पायलट? कमर्शियल पायलट लाइसेंस का होल्डर, ठीक है, 8 months में, एंड उसके बाद एक और चीज होती है जिसको कहते हैं टाइप रेटिंग। ओके, वो सब करने में 2 महीने लगते हैं, तो विद इन मतलब अ ईयर आई विल बी अ फुल फ्लेज्ड कमर्शियल पायलट। अच्छा, तो चलो अब आप इसे एक बात पूछ लेते हैं पायलट्स की, आप ऑलमोस्ट मुझे तो पता नहीं है बट मैंने सुना अच्छी खासी सैलरी होती है। Yes. तो पायलट्स की सैलरी कितनी होती है? अबाउट 4 lakhs से स्टार्ट होती है मंथली। भाई साहब, अभी पैसे लग रहे हैं, एम आई राइट सर? अभी पैसे दबा के, क्योंकि मुझे भी पता है टू बी अ पायलट ये बहुत कॉस्टली स्टफ है। मेरे हिसाब से इट्स गोना कॉस्ट यू, आपको 2-2.5 CR का खर्चा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली सब कुछ करके, इतना है ना, 1-1.5-2 के आसपास हो जाता है रहने का खाने का। ऑब्वियसली यू विल बी स्टेइंग इन फ्लोरिडा, तो फिर हमारा लाइफस्टाइल तो वैसा ही है ना। अब हमने हाईजैक कर लिया है ईशान भाई का कैमरा, और ईशान भाई आपने क्या किया दिल्ली में? We had one crazy night, जिसके बाद हम लोग सब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि सब formality is gone out of the window। true। तो मतलब ये बात देखी मैंने ना, हम तीनों का पता नहीं क्यों ये ग्रुप भी लोग सबको पसंद भी आ रहा है। हाँ। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो वहाँ पे लोग बोल रहे ईशान भाई, शोएब भाई और तरुण भाई का ना जो ये सर्कल है वो बहुत मजेदार है, छोटा और अच्छा, लोगों को पसंद भी आ रहा है, और सही है ऐसा ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा होना भी नहीं चाहिए यार। चलो मैं वापस लेता हूं, एक मिनट भाई के साथ हो रहा था। तो एक और आप जो चीज एक सारे भूल गए वो ये जो आदमी है ना, ये बहुत गंदा आदमी है। सारे मतलब इस वीडियो के अंदर कम से कम 50 कमेंट होने चाहिए कि अभी इज अ बैड बॉय, अभी इज अ कल्प्रिट। हाउ मेनी शोएब्स, हाउ मेनी सिब्लिंग्स यू हैव? 2, एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर। ओके, एंड व्हाट एग्जैक्टली दे डू? यार मतलब मैं सब अमीरों के भी हूँ यार,
देखो आपने देखा है कि अब तरुण के मॉम डैड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये प्राइवेट वाला आदमी क्या कर रहा है आप लोगों के बीच में? आप लोगों को पता चलना चाहिए कि G63 हमारे पास तो नहीं है, शान भाई के पास है, तो फिर क्या फायदा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का? हम तो लेजेंडर पे ही रहेंगे ना। नहीं वो तो आप भी ले ही सकते हो, अभी आपका मन करे आप जाके ले आओ, है ना। तो ये सब, ये जो मैंने एक बात देखी यार, जितने एक मिथ होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने होते हैं उनके बच्चे बड़े बिगड़े हुए होते हैं, मैंने तो सुधरे हुए ही देखे यार अभी तक तो। बट मेरे, मैं सुधरा हूँ सर, ये शोर बताएंगे सुधरा हुआ बंदा पूरे जम्मू कश्मीर में आपको नहीं मिलेगा, ऐसे लालटेन लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा हूँ जैसे आप? ये बंदा बहुत गलत है, सारे फिर से सेकंड रिमाइंडर इसके खिलाफ। ये कर क्या रहा था? ऐसा इस क्या किया है? बड़ी गलत हरकत की है, वो कैमरे पे हम बता नहीं सकते। नहीं नहीं, आप एक राज खोलो तो सही, फिर अभी पता नहीं क्या क्या खोलेगा, इसके पास बहुत कुछ है, इसने सारी रिकॉर्डिंग रखी हुई है मेरे पास, एक एक रिकॉर्डिंग। देख लो अब हम रियल ओजी को फोन करते हैं। हाँ रियल ओजी भी आ रहे हैं भाई साहब। इसका शीशा कर गया भाई। अब ये आप बताओ, मतलब सुबह उठते हो तो क्या रूटीन रहती है अभी तो पढ़ाई? तो, हाँ सुबह होती है, दो घंटे की क्लासेस होती हैं CCPL की ही, उसके बाद एक आध घंटा होता है। तो यहाँ पे कॉलेज कौन सा अपना? ऑनलाइन, सब ऑनलाइन चल रहा है। ओके, जम्मू कश्मीर में कोई कॉलेज नहीं है एविएशन का। ओके ओके ओके। तो फिर उसके बाद यही एक आध घंटा हॉस्पिटल में होता हूँ, तो उसके बाद तरुण से मिल लेते हैं। तो हॉस्पिटल का नाम पल्स हॉस्पिटल कहाँ पे है? छन्नी में यहाँ पल्स हॉस्पिटल, आप उसके मालिक हैं। ओके, सो कल को कोई भी बीमार हो और वो फ्री में इलाज करवाना चाहे तो ऐसी स्कीम है सच में। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, मैं अपनी तरफ से दे रहा था बट अब आपने बोल दिया कि अगर इन केस किसी को भी इमरजेंसी हो आप रात को इनको तंग कर सकते हो, मुझे तंग कर सकते हो, हमारी जितनी होगी हम कोशिश करेंगे कि हम हेल्प करें, है ना। बाकी व्हाट अबाउट लव लाइफ? Love life, I've been single for the last 3 years. तो ऐसा कुछ एक बार फिर से देखो जरा शक्ल पे zoom मारो। देख रहे हो सर कि झूठ बोलने वाले का चेहरा देख लो आप। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच है। मैंने सोचा है जिंदगी में कुछ accomplish कर लूँ। I'm trying to say is कि किसी मुकाम पे पहुँच जाए। बहुत बढ़िया, पायलट बन जाओगे तो हमें टिकट फ्री मिलेंगी कि नहीं? आपको फ्री है सर। तो भाई साहब आज आपको ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के कैसा लग रहा है? मैं बताऊं, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ गुड फीलिंग, ज्यादा कंट्रोल में लगता है, ऐसा लगता है गाड़ी आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगी। इसका एग्जॉस्ट नोट तो ईशान भाई ने बना ही रखा है, तो अभी इसका एक्सटेंसिव रिव्यू भी हम दिखाएंगे आपको हमारी नजरों से। डन है, डन है, डन है। लेकिन सबसे पहले तो ईशान भाई को थार देनी है मैंने। हाँ मैं थार ले जाऊंगा तो ये भाई को अपन गाड़ी दे देंगे। लेकिन एक बात बताओ, सच में बताओ, हाउ इज द फील? मतलब यू आर ड्राइविंग अ लेजेंडर, तो लेजेंडर के बाद इस छोटे से बच्चे में आगे, ऐसा छोटा बच्चा, इसका वो कोई लोड नहीं है, मतलब ये इतना कंट्रोल में चलती है ना, इस गो हेयर देयर, मतलब उसमें तो इतना मैं स्टीयरिंग मोड़ू वो मुड़ेगी नहीं जी। और थार में जैसे आप देखोगे उसमें डायनेमिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ। वो इट इज एज रॉ एज थिंग्स कैन बी, एंड दिस इज ट्रैक्शन कंट्रोल टेकिंग केयर ऑफ मी, DSG टेकिंग केयर ऑफ मी, देयर इज सो मच इलेक्ट्रॉनिक नैनीज। बिल्कुल, बट आपको बिल्कुल सिंपल सी नहीं लगती है गाड़ी? देखो ना कुछ है नहीं ज्यादा करने वाला इसमें, जो ट्रू एंथी होता है उसको चाहिए भी नहीं होता, चाहिए भी नहीं होता इसमें। तो ये भी नहीं आता था कंपनी से, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था। नहीं हम रिकमेंड ही नहीं करते कि आप या अमेजोन या मूवीज या कुछ भी देखो, है ना। और आप बताओ, अब इफ यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ डिफेंडर और लेजेंडर, विच वन? डिफेंडर और लेजेंडर, इनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ऑब्वियसली डिफेंडर, ऑब्वियसली। ओके, व्हाट अबाउट लेजेंडर एंड दिस वन? आई विल वांट बोथ ऑफ देम, वन फॉर यू वन फॉर योर वाइफ, राइट? सो व्हिच वन यू गोना गिव इट टू योर वाइफ? ऑब्वियसली द लेजेंडर, राइट? है ना, तंगी तो मैं और वाइफ्स मिलती रहे ना, है ना। बहुत तेज हो रहा है, इफ माय फ्यूचर वाइफ इज वाचिंग दिस, नो नो, कम ऑन, आईज ओनली फॉर यू, कम ऑन गाइस। अपन अभी जा रहे हैं नेस्कैफे, तरुण भाई भी वहाँ ही आ रहे हैं। तरुण, मुझे पता नहीं लोग बोलते तरुण आपसे छोटा है। हाँ नहीं, मुझे सारे बोल रहे थे, अरे वो तरुण ने मुझे बताया कि कोई उसको कमेंट कर रहा था कि तरुण भाई आपको भाई बोलते हैं और आप तरुण को भैया बोलते हैं, तो आप तरुण बोला करो। तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बोलो या भैया बोलो, जिस चीज में आपको सुकून मिले वो बोलो।
वेदर यहाँ पे फिर बहुत सेक्सी हो रहा है यार आज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कैफे में, बाय। आज तो देख लो यहाँ पे हमें कौन मिल गया, जेके ऑटोज के मालिक, ये तो आप जान ही चुके हो, स्मॉल टाउन राइडर भाई। ये हमारे मोमिन भाई जो कि बहुत फुटबॉल खेलते हैं आजकल, हमें पता चल रहा है, इनके साथ फोटोज आती रहती हैं। पर ये आशिक आदमी आपको पता ही है। हो गया अब, हो गया भाई साहब, अब क्या कर सकते हो आप। हाँ क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये देख लो क्या बोलते हैं, बंदी बटा लो, ये भी सब है ना, घूमता रहता है। नो 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 नो, नाम खुलने दो, कौन था। चलो गाइस चलते हैं, आज के लिए यार बहुत अच्छा लगा। ये टी आपने बहुत प्यारी पहनी है, थैंक यू। मतलब इस पे लिखा क्या है, बीबर, इज इट बीबर, ही इज जस्टिन बीबर। व्हाट अबाउट यू, साबू साबू चाचा चौधरी का वो जो बड़ा वाला था वो साबू। चलो यार तो गाइस आज के लिए यहाँ सबको बाय करते हैं, बाकी जल्दी मिलते हैं इन सबके साथ दिन में, बाकी देखते हैं इनको किसी दिन इसको पकड़ते हैं। पीछे से लाइट आ रही है यार, भाई साहब आपके ऊपर सारी, हमें आपको फोकस में रखना है ना। अच्छा हमारे जम्मू के बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। जी जी जी, चलो बाकी आज के लिए बाय करते हैं, सी ऑफ, ओके बाय बाय, टेक केयर बाबा। जेके ऑटोस इनको भी टैग कर देंगे भाई, किसको टैग करना है। अच्छा मोमिन, सॉरी द इंस्टा आईडी इज मोमिन असलम 7, तो अब इस दोनों को करना टैग। नहीं नहीं मोमिन, चलो ठीक है बाय बाय बाय।